नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में अचानक से आया उबाल अब शांत पड़ चुका है। पिछले चार दिनों के भीतर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों में बगावत का बड़ा बवंडर उठा था, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने नुकसान होने से खुद को बचा लिया। कांग्रेस ने जैसे तैसे हरीश रावत को मना लिया, तो बीजेपी ने भी 24 घंटे के भीतर हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर कर दी। नाराजगी से लेकर इस्तीफे तक की खबरों के बीच हरक सिंह रावत एक दिन में हृदय परिवर्तन हो गया। करीब 24 घंटे बाद वो सामने आए और शनिवार शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलने पहुंचे। जब मीडिया से बातचीत करने आए तो सारी नाराजगी जैसे दूर हो गई। हरक सिंह रावत सीएम को छोटा भाई बताने लगे और बताते बताते भावुक भी हो गए। पुष्कर भाई मेरे छोटे भाई हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, पर्वत क्षेत्र के दूर दराज के गांव के लिए हो, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और पुष्कर भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ है। हमेशा उन्होंने साथ दिया है, चाहे मेरा बुरा वक्त, जब भी मेरा बुरा वक्त रहा है, एक भाई के नाते, चाहे मैं कांग्रेस में था चाहे मैं भाजपा में था, हमेशा एक छोटे भाई के रूप में हमेशा उन्होंने मेरे साथ दिया है। मैं उस चीज को कभी नहीं भूल सकता हूँ। विधानसभा ज्वालापुर के सबसे बड़े वोट बैंक गांव पंचपुरी गढ़ मीरपुर में विधायक सुरेश राठौर को बहुल्य समाज का समर्थन मिला। लोगों ने कहा तन मन धन से है विधायक सुरेश राठौर के साथ। विधानसभा ज्वालापुर के गांव पंचपुरी गढ़ मीरपुर में विधायक सुरेश राठौर की अगुवाई में विजय संकल्प यात्रा गढ़ मीरपुर भी पहुंची थी, जहां स्थानीय लोगों के द्वारा विधायक सुरेश राठौर सहित अन्य बीजेपी नेताओं का गर्म जोशी के साथ फूल मालाएं पहनाकर सभी ने जोरदार स्वागत किया। सुबोध उनियाल जी कृषि मंत्री हैं, बहुत सारे लोग हमारी इस यात्रा में आ रहे हैं, क्या जानती है, इसलिए इसका नाम विजय संकल्प यात्रा है। जब परिवर्तन करना था तो परिवर्तन यात्रा रखी थी, आज विजय की ओर आगे बढ़ रहे हैं, 60 से ज़्यादा सीट जीत रहे हैं, तो इस बार इससे विजय संकल्प यात्रा है। परिवर्तन यात्रा सफल हुई थी, हाँ, इस बार विजय संकल्प यात्रा निश्चित रूप से सफल हो गई, सब जगह संकेत है। आप देखो टीवी में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जिस स्थान पर देखोगे विजय संकल्प यात्रा ने प्रचंड बहुमत का अपना संकेत दे दिया है। हरिद्वार के जगजीतपुर निवासी एक महिला ने भादराबाद के गढ़मीरपुर स्थित डॉक्टर बी आर ए अम्बेडकर कॉलेज के मालिक ने उनके दस्तावेज लगाकर उन्हें प्रबंधक दर्शक का सरकार से अनुदान लेने का आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री ने ये 4 महीने से उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं की, जबकि मुख्यमंत्री ने अपने आदेश में फर्जी तरीके से हासिल किए गए अनुदान को तत्काल खत्म करने के आदेश दिए हैं। पूर्व प्रबंधक ने शिकायत में कहा कि फरवरी 2015 में सरकार द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉलेज में अनुदान दिया था, इस अनुदान में फर्जी तरीके से उनके दस्तावेज प्रयोग किए गए हैं, इसी वजह से उनको शिक्षकों की नियुक्ति करने और फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में जाना पड़ा, जबकि उसमें कोई गलती नहीं थी। इंटर कॉलेज गढ़मीरपुर हरिद्वार को जो अनुदान मिला उसमें मुझे फर्जी प्रबंधक दर्शाकर लिया गया है, जिसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को दी। इसके जांच होने के उपरांत माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस अनुदान को रोक दिया। इसके उपरांत पत्रावली अनुदान समाप्त करने के लिए आगे बढ़ाई गई, जिस पर माननीय विभाग के सभी अधिकारियों ने सहमति दी और माननीय शिक्षा मंत्री ने भी सहमति दी।
उत्तरकाशी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गंगोत्री विधानसभा सीट में विजय संकल्प यात्रा के समापन से पूर्व जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर भर में ढोल ढमाऊ के साथ रैली निकाली। इस जन आशीर्वाद रैली में गंगोत्री विधानसभा सीट से विधायक पद के लिए दावेदार के रूप में बीजेपी के पूर्व जिला संयोजक जगमोहन रावत ने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। रैली के बाद हनुमान चौक पर जनसभा का आयोजन किया गया। इस रैली से बीजेपी की जिला कार्यकारिणी ने दूरी बनाए रखी। आज जो है हमारे पूरे उत्तराखंड में, देश में जो है भारतीय जनता पार्टी की लहर है, और उत्तराखंड में जो है विजय संकल्प रैली का जो कार्यक्रम है वो उत्तरकाशी में जो है 6 तारीख को समापन होना है, उसी सिलसिले में हम लोगों ने एक छोटी सी ये तैयारी की। लेकिन मैं समझता हूँ कि छोटी सी तैयारी से जो है आज हुए जनसैलाब महिलाओं का, पुरुषों का, युवाओं का, और जो हमारे पंचायतों के पंच परमेश्वर के पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, बटवाड़ी ब्लॉक हो, डुंडा ब्लॉक, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, ज्येष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख हैं, उधम सिंह नगर जनपद में खटीमा के सीमांत गांव नारायण नगर में एक घर में देर शाम अचानक आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को राहत राशि, खाद्य सामग्री और कंबल का वितरण किया। वहीं मौके पर उपस्थित गीता धामी ने बताया कि शाम को नारायण नगर गाँव के दिनेश पाल और कन्हैया के घर में अचानक आग लग जाने से भारी नुकसान हुआ है, जिसमें मेरे द्वारा और तहसीलदार सहित स्थानीय प्रशासन द्वारा मौके का जायजा लिया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को राहत राशि का चेक, खाद्य सामग्री और कंबल का वितरण किया गया है। विधानसभा खटीमा ग्राम नगर तराई बंगाली कॉलोनी नारायण नगर में आज शाम को कन्हैया और दिनेश पाल के घर पे अचानक आग लग जाने से बहुत ही भारी नुकसान परिवार को हुआ है, और साथ में हमारे द्वारा वहाँ पे मौके में हम लोग वहाँ पे पहुँचे, साथ में स्थानीय प्रशासन, तहसीलदार साहब भी यहाँ पे मौके में उपस्थित रहे, और जो भी त्वरित कार्रवाई उनके द्वारा की गई, जो भी सहयोग प्रशासन के द्वारा वहाँ पर दिया जाना था, आपके चेकों का चेक भी वहाँ पर दिए गए, साथ में राशन पानी की, कंबल की व्यवस्था भी स्थानीय प्रशासन के द्वारा की गई, और ये जानकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला करके उनको जो भी मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता होगी वो दिलवाई जाएगी और उसका आश्वासन दिया गया है। 2012 में अस्तित्व में आई झबरेड़ा विधानसभा सीट पर इस बार भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर के आजाद समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। आजाद समाज पार्टी ने हरिद्वार जिले की 3 विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, लेकिन झबरेड़ा सीट आजाद समाज पार्टी के लिए काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल झबरेड़ा सीट रिजर्व सीट है और इस विधानसभा सीट पर बसपा ने ही जीत हासिल की है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जरूर जीत अपने नाम की थी, ऐसे में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद बसपा के सामने मुश्किल जरूर बढ़ गई है। भीम आर्मी की मजबूत दावेदारी प्रतिद्वंदियों को परेशानी में डाल सकती है। ऐसे में आपको बता दें, झबरेड़ा से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र प्रमुख ने कहा है कि वो सर्व समाज के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। झबरेड़ा सीट पर मुस्लिम और दलित मतदाता की संख्या ज्यादा है। अगर मुद्दों की बात की जाए सामाजिक स्तर पर, तो हमारा समाज हर तरीके से पीछे, चाहे वो शिक्षा का मुद्दे हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मुद्दे हो, इनकी थाने में सुनवाई हो, जहाँ भी सामाजिक संतुलन की बात हो वहाँ पर भी पीछे, शिक्षा का स्तर भी बहुत पीछे। और इसमें मेरा समाज ही नहीं, मैं सभी समाज की बात कहूँगा कि शिक्षा के स्तर पर बहुत पीछे है। विधानसभा वाइज देखिए, अगर कोई विधायक बनता है, विधायक बनने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति के पास जो उसकी निधि आती है उससे काम कहीं ना कहीं कराने पड़ते हैं, तो प्रत्येक विधायक का होता है, उसी के बाद उसकी आगे कार्रवाई होती है। और मैं कह रहा हूँ, अगर उनकी नीयत अच्छी हो काम कराने की, तो नीयत कहीं ना कहीं दिखाई देती है और उसी का असर होता है
कि वो लोग बोलते हैं कि इस विधायक ने अच्छा काम किया और इस विधायक ने गलत काम किया। रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट कैंप में कांग्रेस के नगर महामंत्री अर्जुन विश्वास पर शराब माफियाओं द्वारा हमले के विरोध में कांग्रेसियों ने थाने का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने पुलिस पर शराब और नशे के कारोबारियों को शरण देने का आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि शनिवार को कांग्रेस नगर महामंत्री अर्जुन विश्वास पर कुछ शराब बेचने वालों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसको लेकर रविवार को कांग्रेस नगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी ट्रांजिट कैंप थाने पर एकत्रित हुए और वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेसियों ने पुलिस द्वारा शराब और नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया है। तीन महीने पहले नशे जो कारोबार करते उनको मारा भी, उसको यहाँ के लगे बंद भी कराया, उसके बावजूद राइट कैंप के थाने के पुलिस और पुलिस प्रशासन मौन है। इससे ये पता चलता है इनकी मिली भगत से राइट कैंप से अवैध कारोबार चल रहा है। जब भी कोई पुलिस को आके दबाव बनाता कि वहाँ पे शराब का बिक रही है, लेकिन जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती है, लेकिन उनके मुखबर इतने तेज उससे पहले ही उनको इतला कर देते हैं, पुलिस के जाने से पहले वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हमने कुछ दिन पहले कप्तान साहब को भी सारे अड्डे सारे चिन्हित करवाए थे, कुछ नाम भी दिए थे कि इन नंबरों पे आप इन नंबरों की जांच कराइए, इसमें आपको पता चल जाएगा पुलिस कौन कौन वहाँ उसमें मिला हुआ है। लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन आज अब हम सांकेतिक तौर पर एक घंटे के लिए धरने पर बैठे हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर पूरा अवैध कारोबार शराब के नशीली दवाइयों का और स्मैक का बंद नहीं हुआ तो यहाँ टेंट गाड़ के अनिश्चितकाल के लिए हम धरने। और हमारे लगातार यहाँ पे पार्षद, जितने जनप्रतिनिधि, जितने हमारे कांग्रेस के लीडर, सब लोगों के पास महिलाएं आके अपना दुखड़ा रोती रोना रोती हैं कि ये लोग शराब और नशे का कारोबार और अवैध शराब पी के घर पे आते हैं और हमें मारपीट की घटना बढ़ती जा रही है। हमें इनसे बचाओ, हमें अवैध शराब से निजात दिलाओ। अब हमारे जनप्रतिनिधि वो अपना रोना कहाँ रोएंगे, थाने में आके। और थाने में क्या है, आँख और कान सब बंद, सारी चीजें बंद हैं। लेकिन आखिर आज रात की घटना के बाद मुझे यहाँ के इसीलिए बैठना पड़ा कि शायद ये सोए हुए अधिकारी जाग जाए। और देखिए इतनी बड़ी घटना है, सुबह फिर तुम्हारी पे ढाल पे शराब बिक रही थी। गदपुर के कंबोज धर्मशाला में शहीद उद्धम सिंह का 123वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ताओं प्रकाश ने कहा कि 123 साल पहले एक महान विभूति ने जन्म लिया था जो बाद में राम मोहम्मद सिंह आजाद अथवा उद्धम सिंह कंबोज के नाम से जाने जाते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उनके मन में ज्वाला धधक रही थी और 21 साल बाद जाकर उन्होंने सर माइकल ओ डायर को कैंगस्टन हॉल में गोली मारकर बदला ले लिया था। सबसे पहले शहीदों की चिताओं के लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इसी बात के साथ मैं आह्वान करूंगा नौजवान साथियों से कि शहीदों के सपनों का जो भारत नहीं बन पाया, उनके अंदर सपने सजोए हुए थे कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन गोरे अंग्रेज़ों से हम भारत को मुक्ति दिलवाएंगे, अपने देश की सरकार होगी, अपने लोग होंगे, अपने ही देश की सरकार होगी, अपने लीडरशिप होगी और हमारा देश उसमें तरक्की कर पाएगा, किसी का गुलाम नहीं रहेगा। लेकिन वो मेरे हिसाब से उनके सपने जो थे वो पूरे नहीं हो पाए। और आज के नौजवान से मैं अपील करूंगा कि जो शहीदों के सपने थे, उस सपने के उन्होंने जो पदचिन्ह थे उन्होंने पूर्ण लिखे थे, उन पे चलने की उस पे चलने की आदत बनाएं और उन शहीदों के सपनों को पूरा करें। जिला मुख्यालय पौड़ी की आरक्षण सीट से एनएसयूआई के कोटे से गौरव सागर ने 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। गौरव सागर वर्तमान में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष पौड़ी हैं और पिछले लंबे समय से लगातार जन मुद्दों को प्रदेश सरकार के सामने रखते आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पौड़ी में एक निजी होटल में बातचीत करते हुए गौरव सागर ने कहा कि जब से प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से वो लगातार जन मुद्दों को अनशन धरने के माध्यम से शासन प्रशासन प्रदेश सरकार के सामने रखते आए हैं। हम
हूँ कि युवा लोगों को आगे आना पड़ेगा, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। और रही बात साफ सफाई की, तो हम समझते हैं कि हम अपने स्तर से तो लगातार प्रत्येक व्यक्ति को हम जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि सरकार में टारगेट या किसी में टारगेट करने से पहले एक युवा सोच होने के नाते मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के साथ साथ ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का हमें साथ देना होगा, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो विकास के कार्यों में सबसे आगे बढ़ चढ़ कर रही है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो सब समुदायों को लेकर साथ देकर चलती है, तो उस पार्टी का एक सुनहरा भविष्य है आगे। और मैं सभी युवाओं से मातृशक्ति से आग्रह करूँगा। टिहरी के नरेंद्र नगर स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण दे रहे किसी भी पुलिसकर्मी का स्वास्थ्य खराब होने पर पुलिस को अब किसी बाहरी वाहन और एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु दयानंद आश्रम की ओर से पुलिस विभाग को एक हाईटेक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। उत्तराखंड पुलिस के DGP अशोक कुमार ने विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद एम्बुलेंस को नरेंद्र नगर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के लिए रवाना कर दिया। नहीं देखिए, PTC हमारा रिमोट एरिया में है, नरेंद्र नगर से भी और आगे रिमोट एरिया में है, और वहाँ पे हमारे जो अंडर ट्रेनिंग है उनके स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। हम दयानंद आश्रम के बहुत आभारी हैं, उनके स्वामी जी के बहुत आभारी हैं। इससे जो है हमारे जो अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर या DPS उन सब के लिए बहुत अच्छी सुविधा होगी। सर चुनाव आने वाला, लालकुआ में रेलवे विभाग में ठेका श्रमिक राजकुमार की मौत को लेकर स्थानीय रेलवे सिग्नल कक्ष के सामने धरना समझौते के बाद खत्म हुआ। आपको बता दें, इस दौरान ठेकेदार ने 2,00,000 रुपए देने पर सहमति व्यक्त की, तो वहीं रेलवे के कर्मचारी और अधिकारियों ने भी आपस में 1,00,000 रुपए एकत्रित कर परिवार को आर्थिक मदद करने की बात कही है। कुल मिलाकर रेलवे विभाग और ठेकेदार द्वारा मृतक के परिवार को 3,00,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले आपको बता दें, रात भर मृतक के परिजनों ने सिग्नल कक्ष के सामने टेंट लगाकर धरना दिया। उधर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने कहा कि मृतक पूरा परिवार गरीब है। उन्होंने कहा कि मृतक की मौत से परिवार के आगे गहरा संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग पर रेलवे ने 3,00,000 रुपए देने की बात की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार से परिवार को मदद दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा। देखिए, एक मजदूर परिवार था, उसके माँ बाप पहले मर चुके थे, जा चुके थे दुनिया छोड़ करके। एक छोटी बच्ची थी, एक छोटी बहन है, उसकी शादी भी नहीं हुई है, गरीब, बहुत माली हालत उनकी ख़राब थी। हर आदमी ने प्रयास किया और मैंने सोचा हम लोग राजनीति कम करें, काम ज़्यादा करें, इनका भला हो, इसीलिए हम लगे रहे। और रेलवे विभाग ने भी ठेकेदार पर प्रेशर बनाया, उसका लाभ मिला है, इस गरीब को कुछ सहारा बना है। उसको 2,00,000 रुपये ठेकेदार देगा और 1,00,000 रुपये रेलवे विभाग ने तय कर दिया है देने के लिए। देखिए, बहुत समय लगा है, ये परसों का मामला था, कल उनका पोस्टमार्टम हो गया, डेड बॉडी आई। डेड बॉडी आने के बाद में वो ठेकेदार ने जो इनके साथ एक जैसा कर रहा था, तो उस वजह से हमें भी अच्छा नहीं लगा। और कल से लेकर आज सवेरे तक उसका अंतिम संस्कार किया गया है, सब उसके रिश्तेदार आए हुए हैं। आपके इनके रानी पोखरी की ओर से नगर निगम क्षेत्र ऋषिकेश में आवारा पशुओं को छोड़ने आ रहे 3 युवकों को नगर निगम की टीम ने देहरादून रोड स्थित जंगलात बैरियर के पास पकड़ लिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। आपको बता दें, नौबत हाथापाई तक पहुंच गई तो लोगों ने पहुंचकर बीच बचाव किया। कर्मचारी युवकों को पकड़कर नगर निगम ले गए और नगर निगम के कर्मचारियों ने बताया कि लगभग 20 से 30 आवारा पशुओं को नगर निगम की सीमा में छोड़ दिया गया है। कहना है कि क्षेत्र से आवारा पशुओं को पकड़ रहे रानी पोखरी की गौशाला और हरिद्वार स्थित गेंडी खता की गौशाला में भेजा जा रहा है। बावजूद इसके आवारा पशुओं की संख्या शहर से कम नहीं हो रही है। आवारा पशुओं का जो सचल दस्ता है वो मेरे पास है, हम लोग जो है शहर से आवारा पशु पकड़ते हैं, लेकिन हमारे इतने पशु पकड़ने के बावजूद भी शहर से जो है आवारा पशु कम नहीं हो पा रहे थे। तो हमने एक टीम बनाई जिसमें हम यही चारों तरफ से रैंकिंग कर रहे थे कि कौन आवारा पशु हमारे शहर के अंदर छोड़ रहा है। तो आज सुबह भी जब हम लोग घूम रहे थे तो हमें पता चला कि रानी पोखरी साइड से कुछ लोग जो हैं 30-40 आवारा सांड लेकर के ऋषिकेश की तरफ आ रहे हैं। भाई साहब, मैं भटनगरी से हूँ, अमित कुमार मेरा नाम है।
भाई साहब ये मामला यह है कि जो जितने भी जानवर हैं ये जो है फसलें खा रहे, फसलें हमारी बर्बाद कर चुके और जो है इस वजह से जो है परेशान हो गए। हम जंगल की तरफ जो है ना भगाने के लिए लाए थे इधर को, उसके बाद लाए रास्ते में सर यहाँ पे ले गए हमें, यहाँ पे नगर निगम में। कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे सर? जंगल के, जंगल में ही ले कर रहे थे जानवरों को ना। कहाँ से ला रहे थे? हरानी पोखरी से। हाँ जी सर। आप लोगों ने की? ना 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 सर, हमने नहीं की, हमारे साथ में इन्होंने की मारपीट। खबर लक्सर से है जहां घर से स्कूल जाने के लिए निकली एक नाबालिग छात्रा को दो युवक जबरन अपनी गाड़ी पर बैठाकर अपने गांव ले गए और दोनों युवकों ने छात्रा को अपने घर ले जाकर छात्रा के साथ गैंगरेप किया। वहीं घर पहुंची पीड़िता छात्रा ने अपनी आप बीती अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद उसके परिजन लक्सर कोतवाली पहुंचे और दोनों आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई। जब इस मामले की जानकारी लक्सर कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट को दी गई तो उन्होंने बताया कि नाबालिग छात्रा से दो युवकों द्वारा उसकी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है, जिसमें मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। कैसा हो? नहीं सुनवाई होगी तो आ जाऊंगा। मैंने लड़के ये 8-9 महीने हो गए तहरीर दे रखी है, वो मिसिंग है, उसकी आज तक कोई परवाह नहीं हुई, आज तक कोई यानी आज कोई देखी जा, और ना ही उसकी मैंने डबल कॉपी में लिख के दी थी, उसकी एक कॉपी भी मुझे रिसीव दी थी इन्होंने। बाद लड़की आई थी मेरी बृहस्पति को तो उसने इसने सारी बातें उसे बताई, मुझे नहीं बताई, डर के मारे। ये कौन सी स्कूल में जाती है पढ़ने के लिए? ये दुर्गा पब्लिक स्कूल सिमली में, ये जो छंगे वाले में। नाबालिग बालिका है, स्कूली छात्रा है, इसके साथ दो युवकों के द्वारा उसके असली फोटो वायरल करने की धमकी देकर गैंगरेप किए जाने का मामला प्रकाश में आया, इसकी विवेचना मुकदमा दर्ज कर विवेचना स्टार्ट कर दी गई है। हरिद्वार के कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के गांव गढ़मीरपुर में गांव के ही दो युवकों ने एक बंद पड़ी परचून हार्डवेयर की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान मालिक के अचानक जगने पर एक युवक को मौके से पकड़ लिया गया जबकि दूसरा भागने में कामयाब हो गया। आपको बता दें कि जमानत पर जेल से बाहर आए युवक ने बंद पड़ी दुकान की दीवार तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक युवक को कोतवाली रानीपुर पुलिस ने नकदी और सामान के साथ गाँव के ही एक युवक को ग्रामीणों की मदद से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा युवक भागने में कामयाब रहा। नैनीताल से हल्द्वानी की तरफ जा रही टूरिस्ट बस ज्वालीकोट के पास अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में बस चालक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस में केवल चालक ही मौजूद था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने SDRF की टीम के साथ कड़ी मशक्कत के बाद चालक को खाई से बाहर निकाला। दुनिया में पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी जहां लाखों लोगों को निगल चुकी है तो ओमिक्रॉन से तो पूरी दुनिया सहमी हुई है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार लोगों को एहतियात बरतने के आदेश दे रही हैं। वहीं सभी से कोरोना से बचाव के लिए मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील भी की जा रही है। लेकिन क्रिसमस पर नैनीताल रोड पर DM कार्यालय के पास स्थित मेट्रोपोलिस मॉल में बिना परमिशन के ही बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोग अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद रहे लेकिन किसी के मुंह पर ना तो मास्क नजर आया और भीड़ इतनी थी कि लोगों में निकलने के लिए धक्का मुक्की की नौबत भी आ रही थी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं रुद्रपुर के मॉल की, किस तरह से भारी भीड़ क्रिसमस के मौके पर इकट्ठा हुई। और साथ ही आपको बता दें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, ना ही किसी ने मास्क लगाया था।
हेल्पिंग हैंड द सनराइज का लगातार 3 सालों से निशुल्क कपड़ा बैंक निकट कोटक महिंद्रा बैंक सितारगंज में समाज सेवियों के द्वारा चलाया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर आपके आसपास कोई भी गरीब असहाय जरूरतमंद इंसान हो जिसे कपड़ों की आवश्यकता हो और उसे हमारे निशुल्क कैंप पर भेजिए, हम उसको कपड़ा प्रदान करेंगे। तो जरूरतमंद लोगों के लिए कैंप लगाया जा रहा है जहाँ पर निःशुल्क कपड़े दिए जा रहे हैं। एनजीओ है हेल्पिंग हैंड द सनराइज, बीते 3 वर्ष हो गए हमें लगातार लगाते हुए। तो ये हमारा 25 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक लगेगा और निशुल्क है ये। जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन लोगों के लिए, जिसे भी ज़रूरत है वो इस कैंप पर आएगा और अपने जो भी कपड़े गर्म कपड़े हैं वो लेके चले जाएंगे। उत्तराखंड की मशहूर विंटर डेस्टिनेशन ओली, गौरसो सहित गुलिंग, खुलारा, लॉर्ड कर्जन ट्रैकिंग कैंप में बड़े दिन और व्हाइट स्नो क्रिसमस पर्व के बाद काफी चहल पहल रही। सुबह से रोप वे से लेकर सड़क मार्ग से सैकड़ों पर्यटक ओली पहुंचे और दिन भर ओली टॉप सहित गौरसो खुलारा कैंप की मनोमर बर्फीली वादियों में जश्न मनाते दिखे। ओली और जोशीमठ में देर रात तक पर्यटक सर्द हवाओं के बीच थिरकते रहे। ओली में बढ़ते शीतकालीन पर्यटन कारोबार से स्थानीय लोगों को भी अच्छा खासा रोजगार मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत ठंडा है और मैं क्रिसमस मनाने यहाँ पे आई थी और बहुत मज़ा आ रहा है सीरियसली। ओली मार्केट इज़ ग्रेट, द एटमॉस्फेयर इज वेरी वेरी यू नो वार्मिंग एंड आई एम फीलिंग वेरी थ्रिल्ड। मौसम में परिवर्तन आने के बाद रुद्रप्रयाग जिले में ठंड का भीषण प्रकोप बढ़ गया है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ, मदम महेश्वर, तृतीय केदार, तुंगनाथ धाम सहित पर्यटक स्थल चौपता भी क्षेत्रों में काफी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से यहां का मौसम बेहद ठंडा हो गया है और नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग बर्फबारी का आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। हम लोग मुंबई से आ रखे हैं और हम यहाँ पे, हमने चौपता का नाम बहुत सुना है, यहाँ पे बहुत अच्छा है घूमने के लिए, बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है और हम यहाँ पे न्यू ईयर मना के जाएंगे और यहाँ पे हम बहुत मज़ा आ रहा है। बर्फबारी बहुत हो रही है और यहाँ पे बहुत ठंड है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।